तो हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ न्यूजीलैंड का वीज़ा लेके। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 27 तारीख है। आज तो अभी तक न्यूजीलैंड के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब एवरेज प्रोफाइल को भी अभी न्यूजीलैंड वीज़ा दे रही है। हालांकि अभी अलग मैटर है कि वीज़ा दे रही है लेकिन इमिग्रेशन वाले एंट्री दे रहे हैं नहीं दे रहे, वो थोड़े टाइम बाद मालूम चलेगा। लेकिन अभी न्यूजीलैंड के वीज़ाज अच्छे आ रहे हैं, अच्छी प्रोफाइल पे तो आते ही हैं, लेकिन अभी एवरेज प्रोफाइल पे भी वीज़ा न्यूजीलैंड के आ रहे हैं ऐसा देखा गया है। तो मेरा भी अभी 10 दिन पहले न्यूजीलैंड के वीज़ा लग के आया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के वीज़ा कैसे आप लगवाएंगे, आप खुद से लगवा सकते हैं, आप एजेंट से लगवा सकते हैं, मतलब दोनों प्रोसेस है। ऑनलाइन वीज़ा है, ई वीज़ा आएगा, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आता है और 6 महीने की आपको स्टे पीरियड मिलता है हर एंट्री के साथ में। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है इसको भरना, डॉक्यूमेंट्स बहुत चाहिए, सब चीज़ें इसमें इसमें स्कैन फॉर्मेट में चाहिए, फोटो मोबाइल से फोटो क्लिक की भी नहीं चलेगी, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे आपको उनको प्रॉपर स्कैनर से स्कैन करना पड़ेगा, उनको PDF बनानी पड़ेगी और उनको फिर उनको सबमिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं इसकी डॉक्यूमेंट लिस्ट की, चेक लिस्ट की। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले आपका हर जगह के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट लगेगा। तो आपके पास जितने भी आपके पासपोर्ट हैं, 1 है 2 है 3 है, एडिशनल आपने बुकलेट ले रखी है, जो भी है, सभी पासपोर्ट की आपको पूरी स्कैन कॉपी करनी है, फर्स्ट टू लास्ट पेज। स्पेशली वहाँ तो करनी है जहाँ आपकी ट्रेवल हिस्ट्री हो। तो मेरे हिसाब से आप पूरे पासपोर्ट की फोटो कॉपी कर लीजिए, स्कैन कॉपी करवा लीजिए और हर PDF पे आप अपना नाम और उस पासपोर्ट का ईयर जरूर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया आपका स्कैन्ड पासपोर्ट, जितने भी आपके पास में है पुराने पासपोर्ट सबको आपको स्कैन करना है। सेकेंड स्कैन कॉपी चाहिए आपको आपका नेशनल ID, हमारे यहाँ नेशनल ID हमारा आधार कार्ड को कहते हैं। तो आपका आधार कार्ड की बैक और फ्रंट की स्कैन कॉपी एक ही पेज पे आप करवा लीजिए उसको, और उसकी भी PDF आपको उसमें लगेगी। थर्ड डॉक्यूमेंट है इसके अंदर सेम आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका करंट अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट, आपका सेविंग अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ में ही आपको ये लोग भी बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, ये भी आपका बैंक वाला ही देगा आपको, ये भी आपके साथ लगेगा, आपका दोनों अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अगर आप सैलरीड हैं तो आपका सैलरी अकाउंट का जो है बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स का विथ साइन स्टैम्प सील होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको दोनों बैंक अकाउंट के बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, वो भी स्टैम्प और साइन होने चाहिए। इन सब को भी आपको PDF बनाना है स्कैन करके, फोटो मत खींचना नहीं चलेगा। इसके अलावा 2 साल की आपकी ITR लगेगी। ITR के साथ साथ आपको उसका कंपटीशन जो रहता है ना, जिसके अंदर आपकी बैलेंस शीट होती है पूरी, वो भी लगेगी। तो अगेन ये भी आपको फुल स्कैन में चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके बिजनेस प्रूफ, आपका GST हो गया, आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस हो गया, अगर आप कोई दुकान चलाते हैं तो शॉप का लाइसेंस हो गया या और कोई भी जगह लाइसेंस हो वो चलेगा, MSME नहीं एक्सेप्ट करेंगे लोग ये, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के पेपर्स, CA की जो वैल्यूएशन रिपोर्ट आती है वो भी मानते लोग ये भी लग जाएगी। आपका फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब जिसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट्स हो गए, आपके पास कोई म्यूचुअल फंड्स है, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है, कोई होल्डिंग्स है, कोई आपने शेयर्स ले रखे हैं या कोई भी तरह का आपका इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिस आप लगेगी कि हाँ आप बंदा ही बंदा ये स्टेबल है, तो उसके सारे पेपर्स भी आपको स्कैन करके इसमें लगेंगे। तो ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स। अब मुझे के केस में अगर आप मैरिड हैं तो आपका वाइफ का पासपोर्ट, आपका वाइफ का आधार कार्ड, आपके जितने बच्चे हैं उन सब के पासपोर्ट, उन सब का आधार कार्ड, पासपोर्ट और आधार कार्ड नहीं है इनकेस तो बच्चों के जो स्कूल के जो ID कार्ड होते हैं वो लगेंगे। अब यार ये मत पूछना कि बच्चा छोटा है गोद का है तो उसका उसका मुझे नहीं आइडिया, वो आप MBC से पता कर लेना, ठीक है। मैं अपने केस बता रहा हूँ कि भाई मैंने अपने बच्चों का आधार कार्ड पासपोर्ट लगाए थे, वाइफ का आधार कार्ड पासपोर्ट लगाया था और मेरे तो बताई दी मैंने आपको। ये सब डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर वे में स्कैन करके उसको PDF बना के अलग अलग रख लेनी है। इसके बाद अब क्या करते हैं, अब मैं बताता हूँ। इसके बाद अब आपको इनकी जो न्यूजीलैंड की ऑफिशियली इमिग्रेशन साइट है वहाँ अकाउंट क्रिएट करना है,
लॉगिन करना है और उसके बाद क्या करना है अब आप देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखिए अब ये है नेशनल इमिग्रेशन की ऑफिशियल साइट, ये immigration.gov.nz। यहाँ आप आ जाएंगे, यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। मैं लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद में ये इसका फर्स्ट पेज आएगा कि रिज्यूम क्यों जाना है आपने। ऑब्वियसली घूमने जाना है। पासपोर्ट कहाँ का है भाई? इंडिया का है। कितने स्टे करना है? लेस देन 3 मंथ्स। और मेन पर्पस क्या है? हॉलीडे। ये करोगे तो ये आपको ऑप्शंस दिखा देगा, विजिटर वीज़ा, $211 की फीस है, 9 मंथ्स का आपको स्टे मिलेगा और 36 दिन से लेके जो भी है। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि ये पासपोर्ट वीज़ा आपका 6 से 15 दिन के अंदर आ जा रहा है। मेरा एग्जैक्ट 6 दिन में वीज़ा लग के आ गया था। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ ध्यान रखना और कि इसके अंदर फ़ोटो का बहुत पंगा है। 35x45 की आपको इसमें फ़ोटो लगेगी और ये फ़ोटो आपके वाइट बैकग्राउंड के अंदर मैट फिनिश पेपर हो और 80% फेस इसका आपका विजिबल होना चाहिए। लेकिन आप ये अच्छा दूसरा ये भी बोलते हैं कि आपको फ़ोटो चाहिए ये प्रोफेशनली स्टूडियो में क्लिक हुई हो, तो आप एक लैब में, अच्छे लैब में जाओ, उसको बोलो 35x45 के एक फ़ोटो खींच दे, 80% फेस मेरा इसके अंदर क्लियर हो। उस फोटो में आपको टचिंग वचिंग मत करवाना, जैसा आप नेचुरल हो आप वैसे ही रहो, हैट कैप गोगल्स वगैरह कुछ मत पहनो आप, बस 80% फेस आपका कवर होना चाहिए। क्योंकि ये जब ये अपलोड करते हैं तो उनका AI इसको रीड नहीं करता, बार बार एरर आता है। ये फ़ोटो आप फोटोग्राफर से JPEG या JPG फॉर्मेट में अपने पेन ड्राइव में अपने ईमेल पे आप डलवा लो, बाद में ये आपको अपलोड करनी है, बस एक ये है। इसके बाद देखते हैं अब आगे। तो यहाँ से अपन उसको अप्लाई करेंगे। सही बोला, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास फोटो होना चाहिए, डॉक्यूमेंट लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। अब ये है टेम्पररी एंट्री वीज़ा चाहिए, न्यूजीलैंड से बिल्कुल बाहर रुझी। कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आप? विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं हम। कोई सिटीजन ऑस्ट्रेलिया की है जी? नहीं है जी, बिल्कुल सिटीजन नहीं है पास में। पर्पज़ ऑफ विजिट ऑब्वियसली हॉलीडे टूरिज्म, हॉलीडे ठीक है, ये इसने बोला बता दिया। यहाँ से अब आपका ये एक्चुअली एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। बहुत इन्फॉर्मेशन पूछेगा ये एक्चुअली आपका बाद में वीज़ा नंबर बन के आएगा। यहाँ से अब आप अपना शुरू कर दीजिए इसको। ये होता है ओनली नेम्स, मतलब जिसमें आपका सरनेम नहीं होता, मतलब आपका एक ही नाम है। लेकिन भैया हमारे पास में अगर आप इसको फर्क देखिए, यस करोगे तो बस एक ही कॉलम आएगा, नो करोगे तो फर्स्ट क्लास मिडिल सारे पूछेगा ये। तो अगर आप पासपोर्ट में आपका सरनेम नहीं दिया हुआ या एक सिंगल नेम है तो आप ओनली नेम्स कर दीजिए, सीधे एक आएगा। यूजली अपने इंडिया में दो फर्स्ट और लास्ट नेम होते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। दूसरे नाम से जाना जाता है, नहीं जाना भाई, एक ही नाम बहुत है यहाँ पे। बाकी देखो सिंपल फॉर्म है, आप भर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पिंग कर देना, आई विल हेल्प यू आउट। ये जब आपका पूरा आप फॉर्म भर लोगे तो उसके बाद लास्ट में आपके पास में एक लगभग 22-23 पेज की PDF इनके द्वारा आएगी। ये आपको एक PDF भेजते हैं, लगभग 22-23 पेज की होती है, वही होगी जो आपने इन्फॉर्मेशन अपनी जो पुट करी है, वो आप पूरा PDF पूरा उसको ढंग से आप चेक कर लो, आपके नेम में, वाइफ के नेम में, बच्चों के नेम में या कोई भी कोई गलती हो तो आप उसको अभी उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर एक बार आपने अगर उसको सबमिट कर दिया, सेंड कर दिया, उसके बाद ये मॉडिफाई नहीं होती हैं, तो उसके बाद आपका पेमेंट लगेगा।
लगभग इसकी फीस है 9,000 के आसपास कुछ बनती है इसकी, 9-10 हज़ार का फीस है इसकी, क्रेडिट कार्ड से जाएगी और 6 से 7 दिन में अभी इसका वीज़ा आ रहा है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई न्यूजीलैंड वीज़ा। तो मैं फिर आपको जरूर बताता हूँ, आपको सारे मैं जो आपको बोल रहा हूँ सारी चीज़ें आपको स्कैन फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, स्कैन ही करना है, फ़ोटो से मोबाइल से क्लिक मत करना, नहीं चलेगा। तो पहली चीज़ आपकी, आपके सारे पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, सारे पासपोर्ट मतलब जितने भी आपके पास पुराने पासपोर्ट हैं, नया पासपोर्ट है, उसकी स्कैन कॉपी। अगर वो रिजेक्शन लगा हुआ है तो उसकी भी कॉपी आप लेना, जैसे जापान वगैरह रिजेक्शन वो लोग पीछे स्टैम्प करते हैं, तो ऐसा नहीं है आप उसका पेज को हटा दो, वो पेज भी आप इंक्लूड करना है। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो पूछेगा कि आपका उसमें रिजेक्शन है, तो भी आप वहाँ लिखिए कि हाँ अभी मेरे पास में जापान का रिजेक्शन है और इस रीजन से रिजेक्ट हुआ था, तो ठीक है वो देना पड़ता है। तो पासपोर्ट की, सभी पासपोर्ट की आपकी स्कैन कॉपी अलग अलग पीडीएफ के अंदर, आपका नेशनल कार्ड मतलब आपका आधार कार्ड की फ्रंट और बैक की कॉपी, आपके बैंक स्टेटमेंट्स मतलब सेविंग करंट सैलरी जो भी आपका जिसमें का पैसा आता हो आपका, उसके प्रूफ प्लस बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, ये सारे आपको बैंक से मिलेंगे, स्टैम्प साइन सील होने चाहिए। इसके अलावा आपके बिजनेस के प्रूफ, बिजनेस के प्रूफ के अंदर आपका GST, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, आपका दुकान का लाइसेंस, कोई और अगर आपको कुछ नगर निगम से कुछ और कैसे भी मिलता हो तो वो भी लग जाएगा, MSME नहीं चलेगा इसके अंदर। इसके अलावा आपकी 35x45 की 80% जिसके अंदर फेस हो वो फोटो JPEG फॉर्मेट में आप करवा लो स्टूडियो से, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में जितने आपके फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, जैसे कि आपकी म्यूचुअल फंड्स, आपकी FDRs, आपकी शेयर होल्डिंग्स, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो ये सभी आपको एक सिंगल PDF में बना कर रख लेनी है। आपको CA की रिपोर्ट लगेगी, CA की एवोल्यूशन रिपोर्ट कोई भी CA बना देगा आराम से, वो भी आप साथ लगा दो। ये आपके वाइफ का आधार कार्ड पासपोर्ट, आपके बच्चों का आधार कार्ड पासपोर्ट या स्कूल का जो ID कार्ड बनता है वो, ये सभी लगेंगे। ये सभी आप स्कैन करवा के रखो और क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करना है। टिकट्स का क्या करोगे, मतलब टिकट्स आपके पास में क्या है, कन्फर्म टिकट है आपके पास में या होटल की कन्फर्मेशन है आपके, तो आप उस केस में उनको बोल सकते हो कि मेरे पास में सफिशेंट फंड है, अगर आप डिमांड करेंगे या अगर मुझे वीज़ा मिलता है तो मैं आपको कंफर्म एयर टिकट और आपको कंफर्म जो कम्पटिशन है वो आपको शो कर सकता हूँ। सेम चीज़ें मैंने ये ही मेंशन करी थी। अब लोग 90% लोग कमेंट में डालेंगे, भैया तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना था। भाई भाई मेरे बैंक बैलेंस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप सुन लीजिए, ओवरऑल प्रोफाइल पर फर्क पड़ता है। अगर मेरा बैंक बैलेंस 1 करोड़ भी है तो कोई गारंटी नहीं है कि मुझे वीज़ा मिल जाएगा। तो बैंक बैलेंस की पीछे मत भागो, मैटर ये करता है कि आपका जो बैंक है मेंटेन कितना है, ठीक है। बैंक मेंटेन होने के साथ में आपकी ट्रेवल हिस्ट्री आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है वीज़ा मिलना नहीं मिलना। ये ऑलमोस्ट सभी मेरे वीज़ा वाले वीडियो में लोग पूछते हैं भाई आपका बैलेंस कितना है, आपका बैलेंस कितना है। तो भाई मेरे बैलेंस कितना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरा साउथ कोरिया का वीज़ा 1 लाख के बैलेंस पर लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन 4-5 लाख के बैंक बैलेंस में भी वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, तो उससे कोई मैटर नहीं है। आप अपने प्रोफाइल देखो, आपका बैंक कितना मेंटेन है, प्रॉपर फ्लो में पैसा आ रहा है, प्रॉपर फ्लो में पैसा जा रहा है, वो होना चाहिए। बस आपकी ट्रेवल हिस्ट्री और आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। तो भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बैंक बैलेंस, जब मैं न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरे पास में टोटल 10 लाख का बैलेंस था। 10 लाख कैसे, मेरे करंट अकाउंट के अंदर या जो मेरा बिजनेस का अकाउंट है उसके अंदर 5 लाख था, और मेरे पास में 2 सेविंग अकाउंट हैं मेरे, उनके अंदर लगभग 2-2.5 लाख के आसपास बैलेंस था। इसके अलावा मेरे पास म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ FDRs हैं, बस ये थी। प्रॉपर्टी मेरे पास में कोई ऐसे मेरे नाम पे है नहीं, और इसमें मुझे वीज़ा मिल गया। ट्रेवल हिस्ट्री मेरे पास में लगभग 20-22 कंट्री की है, तो वो दी थी। तो इसलिए मेरे बैंक बैलेंस से आपको कोई हेल्प होने वाला नहीं है, कोई एक आइडियल नहीं है कि मेरे पास में 2 लाख था तो सब आपका भी 2 लाख में मिल जाएगा। हो सकता है आपको 1 लाख में मिल जाए, हो सकता है आपको 5 लाख में ना मिले। तो ये सब चीज़ें आपकी फाइल आप कैसे तैयार करते हो उस पर डिपेंड है। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। कोई भी इसमें आपको दिक्कत हो तो आप मुझे पिंग कर देना, आई विल हेल्प यू आउट। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।